नेनुआ, तो इसका आज हम बना रहे हैं चटनी। तो देखिए नेनुआ को छिलकर इस तरह पतले पीस में काट लिए हैं और 3 लाल मिर्च लिए हैं और थोड़े से लहसुन के कलियाँ लिए हैं। इसे फ्राई कर लेंगे, गर्म हो गया तो लहसुन के कलियों को फ्राई कर लेंगे। इसमें लाल मिर्च भी डालकर फ्राई कर लेंगे। अब इसे हम निकाल लेंगे। अब हम घिवड़ा को डाल के फ्राई कर लेंगे। तो देखिए इस तरह सुनहरा नेनुआ को हमने फ्राई कर लिया, अब इसे निकाल लेंगे। तो देखिए घिवड़ा को हमने भूनकर प्लेट में निकाल लिया, ठंडा हो चुका है सभी चीज़। तो अब इसे हम मिक्सर जार में रखकर पीस लेंगे। इसी में हम एक टुकड़ा आम का अचार ले लेंगे, जिसे टुकड़े टुकड़े में तोड़ लिए हैं, और स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे, पानी डाल देंगे। तो देखिए नेनुआ का चटनी पीसकर तैयार हो गया। तो देखिए चटपटा नेनुआ का चटनी बनकर तैयार हो गया। दोस्तों नेनुआ का चटनी का रेसिपी अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।